Hello everyone, welcome to our YouTube channel Avision Institute, Avision for Government Job. हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि बेस्ट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और आज जो हम आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके आए हैं वो है 25 फरवरी 2020 के ऊपर. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने टॉप 10 करंट अफेयर्स करने से पहले थोड़ा रिविजन करते हैं जो कि पिछले सेशन में हुआ था. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिकैप सेशन. हमारा सबसे पहला है श्री रामायणा एक्सप्रेस इज स्पेशल ट्रेन दैट विल विजिट टूरिस्ट प्लेसेस एसोसिएट विद लॉर्ड रामा. एक स्पेशल ट्रेन निकाला गया जिसका नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस जो कि उन प्लेसेस को विजिट करेगा, आई मीन टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करेगा जो लॉर्ड राम से एसोसिएट है. नेक्स्ट वन, फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बीमा जुल्का हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. जो हाल ही में फॉर्मर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बीमा जुल्का को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है. नंबर थ्री, की स्टार्टिंग मटेरियल टर्म इज यूज फॉर इंटरमीडिएट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक कीवर्ड यूज किया जाता है जो कि है जो इंटरमीडिएट्स के लिए किया जाता है और वो कीवर्ड है की स्टार्टिंग मटेरियल. नेक्स्ट नंबर फोर, वर्ल्ड चैंपियन शटलर पीवी सिंधु हैज वॉन द ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम. वर्ल्ड चैंपियन शटलर पीवी सिंधु ने हाल ही में ESPN फीमेल स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड जीता है और वो इन्हें तीसरी बार लगातार ये अवार्ड उन्होंने जीता है. हमारा नंबर फिफ्थ है, 30% इज द हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट स्लैब इन इंडिया आफ्टर बजट 2020 and 2021. हमारे जो बजट आए हैं इस बार उसके तहत है 30% हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब रेट होगा. नंबर सिक्स, इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू न्यू बर्ड स्पीसीज हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, नेमली रेड थ्रोट थ्रस्ट एंड प्लम्बियस वाटर रेड स्टार्ट. हाल ही में लद्दाख में हुए ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में दो नए बर्ड स्पीसीज पाए गए हैं जिनका नाम है रेड थ्रोट थ्रस्ट एंड प्लम्बियस वाटर रेड स्टार्ट. नंबर सेवन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 फरवरी. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. नंबर एट, इंडियाज टॉलेस्ट पियर ब्रिज इज बींग कंस्ट्रक्टेड इन मणिपुर बाय इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे के द्वारा इंडिया का टॉलेस्ट पियर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है मणिपुर में. हमारा नंबर नाइन है, महंत नित्या गोपाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं महंत नित्या गोपाल को. हमारा लास्ट वन है नंबर टेन, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि क्रेडाई हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन क्रेडाई आवास. क्रेडाई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है क्रेडाई आवास. तो आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स की तरफ. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड एडिशन एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को कौन इनोग्रेट किया था. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकट नायडू. यहाँ पे वेंकट नायडू ने हाल ही में साइंटिस्ट और रिसर्चर को ये कहा कि वो न्यू इनोवेशन और आइडियाज़ लेके आए फार्मर्स के लिए जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे फार्मिंग सेक्टर में. हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि फार्मर्स को हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें जैसे कि फिशिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी एंड अदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जिससे कि उनके प्रॉफिट लेवल को बढ़ाया जा सके. साथ ही साथ उन्होंने ये भी एड ऑन किया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम फेस होती है उससे टैकल किया जा सके और फार्मिंग इन्वायरमेंट को रेलिवेंट और सस्टेनेबल बनाया जा सके. उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ को हमें फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर के शुरू से लेकर अंत तक के प्रोसेस में अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव किया जा सके. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन अटल किसान मजदूर कैंटीन्स इन ऑल मंडीज एंड सुगर माइल्स अक्रॉस द स्टेट. यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो खोलने जा रही है अटल किसान मजदूर कैंटीन पूरे स्टेट में. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हरियाणा.
हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो जल्दी खोलने जा रही है अटल किसान मजदूर कैंटीन, जो कि पूरी मंडीज और सुगर माइल्स में होगा स्टेट के। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे किसानों को और लेबर्स को अफोर्डेबल और चीप रेट पे मिल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने की, तो राज्य के गवर्नर सत्यनारायण आर्या ने स्टेट असेंबली के बजट सेशन के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक ऐसे 25 कैंटीन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए हम आपको हरियाणा के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। तो हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खत्तर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च 5G हैकथॉन टू प्रमोट 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया 5G हैकथॉन को प्रमोट करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में लॉन्च किया 5G हैकथॉन को, और ये किसके एसोसिएशन में कर रहे, तो ये गवर्नमेंट एकेडमी और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के एसोसिएशन के साथ किया जा रहा है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट होगा शॉर्टलिस्ट करना सुटेबल आइडियाज को और उन आइडियाज को कन्वर्ट करना 5G प्रोडक्ट के वर्क में और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस में। हम आपको ये बता दें, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 21 फरवरी को और इसे कंक्लूड किया जाएगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, और इसे कब कंक्लूड किया जाएगा, तो इसे किया जाएगा 16 अक्टूबर 2020 को। और इसमें 3 फेज होंगे, जिसमें कि सबसे पहला फेज होगा जिसमें एक्सेप्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 100 आइडियाज को। सेकंड और थर्ड फेज में इन्वॉल्व होगा मॉनिटर और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 30 स्टार्टअप्स को। इन 30 स्टार्टअप में से जो विनर्स होंगे उन्हें 2.5 करोड़ का प्राइज मनी दिया जाएगा, जो कि उन्हें आपस में शेयर करने होंगे। साथ ही साथ उन्हें अपॉर्चुनिटीज, जो कि यूनिक अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, वो होगा कि वो स्केल और इम्प्लीमेंट करें इस 5G एप्लीकेशन को और उसको मार्केट रेडी बना सके विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इससे रिलेटेड सेक्टर्स की मदद के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द HRMS एम्प्लॉय मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉयज। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि HRMS एम्प्लॉय मोबाइल ऐप कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, जो कि इंडियन रेलवे। हाल ही में इंडियन रेलवे ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया, जिसे लॉन्च किया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है श्री विनोद कुमार यादव, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को डिज़ाइन कौन किया और डेवलप कौन किया, तो इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। चलिए हम आपको इस ऐप के बेनिफिट बता देते हैं। तो इस ऐप में ये बेनिफिट रहेगा कि रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और हम इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देते हैं कि HRMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HRMS का होता है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु हेड्स द 12 मेंबर टेक्नोलॉजी ग्रुप टू एडवाइज मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि 12 मेंबर टेक्नोलॉजी ग्रुप के जो हेड है वो कौन रहेंगे, जो कि एडवाइज करेगा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डॉक्टर के विजय राघवन। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया टेक्नोलॉजी ग्रुप को, जो कि टाइमली पॉलिसी एडवाइस देगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसमें टोटल 12 मेंबर्स होंगे जिसमें हेड होंगे डॉक्टर के विजय राघवन। हम आपको ये बता देते कि इस ग्रुप का मेन रोल क्या होगा, तो ये ग्रुप एक एडवाइजरी का रोल प्ले करेगा, जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर को अपडेट करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और उन टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। साथ ही साथ इसमें 3 पिलर्स ऑफ वर्क होंगे, जो कि होगा पॉलिसी सपोर्ट, प्रोक्यूरमेंट सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये कमेटी डेवलप करेगी एक फ्रेमवर्क को, जिसके तहत गवर्नमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, और ये कमेटी सारी जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यूज करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द कंप्यूटर साइंटिस्ट नोन फॉर इन्वेंटिंग कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड हु पास्ड अवे रिसेंटली। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस कंप्यूटर साइंटिस्ट के बारे में बताना है, नाम बताना है, जिन्होंने इन्वेंट किया था कट कॉपी और पेस्ट के कमांड को, जो कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है। तो आपका सही आंसर होगा लेडी ट्रेसले।
रिली ट्रेसले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्वेंट किया था कट कॉपी पेस्ट के कमांड को. उनका हाल ही में निधन हुआ है. हम आपको ये बता देते कि उन्होंने कौन से सेवरल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है. तो उन्होंने काम किया था जीरोक्स, एप्पल, अमेजोन, याहू में. और अपना ज़्यादातर समय उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को डेवलप करने में लगाए थे जिसके द्वारा कंप्यूटर को प्रैक्टिकल बनाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके और ईजी किया जा सके कि लोग उसे ईजी वे में यूज़ कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द थर्ड चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट. यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि थर्ड चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि गुजरात. हाल ही में गुजरात यूनिवर्सिटी में चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था जो कि 3 दिन का फेस्टिवल था और इसे इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर यानी गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और बॉलीवुड फिल्म मेकर सुभाष घई ने. हम आपको ये बता देते कि इसमें 140 फिल्म्स को 4 कैटेगरीज में स्क्रीन किया गया था और वो 4 कैटेगरीज क्या हैं. तो सबसे पहला शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन एंड कैंपस फिल्म में. साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सबसे पहला ये इवेंट कब हुआ और कहाँ हुआ. तो सबसे पहला इवेंट हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कि हेल्ड हुआ था 2016 में एंड सेकेंड इवेंट हुआ था दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जो कि हेल्ड हुआ था 2018 में और इस बार जो हुआ है वो 3rd एडिशन है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच हैज़ टॉप द नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020. यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में कौन से इंस्टीट्यूट को टॉप पोजीशन पे रखा गया है. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है CSIR जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को टॉप रैंकिंग मिली है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में. और ये जो रैंकिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है. तो ये रैंकिंग बेस्ड होती है टोटल रिसर्च आउटपुट के ऊपर जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा कैरी आउट किया गया है 1 दिसंबर 2018 से लेके 30 नवंबर 2019 के बीच में. हम आपको ये भी बता देते कि सेकंड पोजीशन किसे मिला है. तो सेकंड पोजीशन मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को. यहाँ पे हम आपको ये बता देते कि CSIR दिल्ली जो कि अचीव किया टॉप पोजीशन वो 142 काउंट्स और 87.74 शेयर परसेंटेज के साथ टॉप पोजीशन पे आई है. टोटल रिसर्च आउटपुट इंडिकेट करता है काउंट्स को एंड शेयर परसेंटेज पर आर्टिकल में क्या है वो इंडिकेट करता है शेयर परसेंटेज को. हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में. तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 26 सितंबर 1942 को और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. RBI has approved the appointment of Sunil Gurbakshani as the new managing director and CEO of which bank? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि RBI ने अपॉइंट किया सुनील गुरबख्शानी को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन से बैंक का. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि धनलक्ष्मी बैंक. हाल ही में RBI ने अप्रूव किया है सुनील गुरबख्शानी के को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO धनलक्ष्मी बैंक का. और वो कितने टाइम के लिए होंगे, तो वो 3 ईयर्स पीरियड के लिए होंगे. हम आपको ये भी बताते कि धनलक्ष्मी बैंक को हाल ही में RBI ने PCA जो कि होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क से रिमूव किया है. हम आपको जानकारी दे रहे थे कि PCA होता क्या है. तो PCA RBI का एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत उन कंपनियों को लाया जाता है जो कि अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में मेंटेन नहीं कर पाते डिजायरेबल लेवल ऑफ कैपिटल को, साथ ही साथ जिनका बैड लोन ज़्यादा होता है एक मिनिमम लेवल से और उनका जो एसेट्स होता है कैपिटल पे उस पर रिटर्न कम रहते हैं चांसेस. हम आपको ये भी बताते हैं कि इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के. पहला होता है कैपिटल रेशियो, एसेट्स क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इन पैरामीटर्स से गुजरने के बाद उन्हें RBI के PCA में फ्रेमवर्क में लाया जाता है. अब धनलक्ष्मी के बारे में बता देते हैं. तो धनलक्ष्मी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि फाउंडेड हुआ था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर जो कि केरला में है. और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. बिजोस अर्थ फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अमेज़न चीफ जेफ बिजोस टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. व्हाट इज़ द टोटल फंड साइज. यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिजोस फंड जो कि दिया जा रहा है अमेज़न के चीफ जेफ बिजोस द्वारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हो रहा है उससे लड़ने के लिए, तो वो टोटल फंड साइज क्या है. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि USD 10 बिलियन
यहाँ पे हाल ही में अमेजोन के चीफ जो कि जो बिजोस है उन्होंने अनाउंस किया कि वो $10 बिलियन देंगे और उस फंड का नाम होगा बिजोस अर्थ फंड। ये फंड किस लिए दिया जाएगा? तो ये फंड दिया जाएगा जो अर्थ पे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। ये फंड हेल्प करेगा साइंटिस्ट एक्टिविटीज एनजीओस को जो कि अर्थ पे होने वाले क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो काम करिए उन्हें ये फंड दिया जाएगा। तो हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टेट ऑफ द डे की तरफ और आज जो हम आपके लिए स्टेट ऑफ द डे लेके आए वो है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ का कैपिटल है शिमला, यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी शिमला ही है। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12 और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है जय राम ठाकुर। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 6.19 लाख एज पर 2012 डेटा। यहाँ पे लिटरेसी रेट है 83.78%। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे है वो है हिंदी। यहाँ का स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड। यहाँ का स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रेगोपान। यहाँ के हम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नेक्स्ट वन पिन वैली नेशनल पार्क, थर्ड वन इंद्र किला नेशनल पार्क, फोर्थ वन किर गंगा नेशनल पार्क, फिफ्थ वन सिम्बालबड़ा नेशनल पार्क। हम जान लेते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो सबसे पहला है बंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट वन चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड वन चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ वन कानावाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिफ्थ वन रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है रवि रिवर, नेक्स्ट वन चेनब रिवर, थर्ड वन सतलुज, फोर्थ वन बेस रिवर, फिफ्थ वन यमुना रिवर। तो चलिए आगे बढ़ते आज के होमवर्क की तरफ। तो आपका आज का होमवर्क होगा सबसे पहला हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि हाल ही में किसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया। तो और आपके ऑप्शन हैं सबसे पहला अरविंद देश पांडे, नेक्स्ट वन संजय कौल, थर्ड वन बिमल जुल्का, फोर्थ वन नितिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा द टर्म की स्टार्टिंग मटेरियल रिसेंटली इन यूज इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। जो एक टर्म है जो कि एक की स्टार्टिंग मटेरियल उसे कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस होंगे सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नेक्स्ट वन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, थर्ड वन सीमेंट इंडस्ट्री, फोर्थ वन पेपर इंडस्ट्री। तो चलिए हम देखते हैं कि पिछली बार हमने आपको क्या होमवर्क दिया था। तो पिछले सेशन में हमने आपको पहला होमवर्क दिया था द सुप्रीम कोर्ट हैज इशू अ डायरेक्टिव टू विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन February 19, 2020 टू इमीडिएट स्टॉप इलीगल सैंड माइनिंग। आपसे ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसे इशू किया था डायरेक्टिव, कौन से स्टेट को, जिन्हें कहा गया था कि वो स्टॉप करे इमीडिएट इलीगल सैंड माइनिंग को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि राजस्थान। हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा कि वेयर डिड TTDC एंड टी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज रन फॉर इंडिया टीम। आपसे ये पूछा गया था कि TTDC और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रन फॉर इंडिया टी कहाँ ऑर्गेनाइज किया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि त्रिपुरा। चलिए हम देख लेते हैं कि किन्हों ने अभी तक सही आंसर दिया है। तो सबसे पहले आंसर दिया अर्पिता रॉय ने, नेक्स्ट दिया अनिकेत कुमार सिंह ने। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।